गाइस वेलकम टू माय यूनिवर्सिटी कंसल्टेंट। और आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया के बारे में, जिसका नाम है नेशनल रिसर्च न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी, इन शॉर्ट इसको मैफी भी कहते हैं। यूनिवर्सिटी में आपको बता रहा हूँ, ये बाय फ्लाइट आपको 6 to 7 hours पढ़ने वाला है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपके मॉस्को में लोकेटेड है। और आपको पता ही होगा, आप गूगल में भी देख सकते हैं कि जो दिल्ली से मॉस्को का फ्लाइट है वो आपको 6 to 7 hours ही लगता है। और ये जो यूनिवर्सिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मॉस्को की सबसे बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है। आपको अगर पता होगा, आप रशिया में देखे होंगे और मॉस्को में देखे होंगे, तो बहुत महंगी महंगी यूनिवर्सिटी पड़ती है। मतलब मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग में देखते होंगे तो आपको 40, 50, 60 lakhs तक का बजट जाता है, ठीक है। बट ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपको 25 lakhs रूबल्स पढ़ने वाला है अप्रॉक्स फॉर 6 years, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड ट्यूशन फीस एंड ऑल, ठीक है। मतलब 25 lakh रूबल में अगर आपको ये यूनिवर्सिटी मिल जाए, दैट टू इन मॉस्को, जो कि इंडिया से 6 to 7 hour फ्लाइट डिस्टेंस में है, विच इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, जस्ट बिकॉज ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एंड ये आपका जो है आपका फुल्ली इंग्लिश यूनिवर्सिटी है, मॉस्को में लोकेटेड है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, तो प्लीज इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप जान सके व्हाई यू शुड चूज नेशनल रिसर्च न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी, इन शॉर्ट मैफी। फर्स्ट रीजन, जो ये मैफी यूनिवर्सिटी है वो इंडिया से 6 to 7 hours की डिस्टेंस में है बाय फ्लाइट। अगर आप देखें, ये मॉस्को में लोकेटेड है और दिल्ली से मॉस्को का फ्लाइट जो होता है वो 6 to 7 hours लगाता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। और सेकेंड रीजन जो है इसका, ये एक फुल्ली इंग्लिश यूनिवर्सिटी है, ठीक है। रशिया में आपको बहुत ही कम फुल्ली इंग्लिश यूनिवर्सिटी मिलते हैं, दैट टू मतलब आप अगर देखें, ये जो मॉस्को में यूनिवर्सिटी मिल रही है आपको लो बजट में मिल रही है और फुल्ली इंग्लिश मिल रही है। रशिया में इतने फुल्ली इंग्लिश यूनिवर्सिटी है नहीं, मोस्टली बायलिंगुअल यूनिवर्सिटी होती है। बायलिंगुअल यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी होती है जो कि 3 साल आपको इंग्लिश में पढ़ाते हैं, फिर 3 साल रशियन में पढ़ाते हैं। बट जो यूनिवर्सिटी हम इसको सजेस्ट कर रहे हैं आपको, ये एक फुल्ली इंग्लिश यूनिवर्सिटी है, कीप दैट पॉइंट इन माइंड। जो थर्ड सबसे बड़ा रीजन है इसका, ये जो यूनिवर्सिटी ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। जैसे कि मैं आपको पहले भी अपने बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होता है जिसको फेडरल यूनिवर्सिटीज कहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कहते हैं जिसको स्टेट गवर्नमेंट रन करता है। बट ये जो यूनिवर्सिटी है मैफी, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो 329 है। 329 क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग बहुत ही अच्छा वर्ल्ड रैंकिंग है अगर आप देखें तो, ठीक है। ये जो वर्ल्ड रैंकिंग है इसकी, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग अगर आप देखें, छोटे मोटे जितने भी आपके एम्स हैं, एम्स रायपुर, पटना, भुवनेश्वर एंड ऑल, इन सब के ऊपर में आता है वर्ल्ड रैंकिंग में। आप खुद ये चीज गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। गूगल में जाइए, लिखिए नेशनल रिसर्च न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी, ठीक है, और इन शॉर्ट मैफी यूनिवर्सिटी रशिया लिख दीजिए, वो भी आ जाएगा। उसकी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग चेक कर सकते हैं आप, इट इज वेरी गुड। 329 क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है इसकी। इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 1942 है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, ये जो यूनिवर्सिटी है ये सबसे लोएस्ट बजट यूनिवर्सिटी है मॉस्को में। अगर आप जानते होंगे, अगर आपने रशिया के बारे में सर्च किया होगा तो आपने मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में जरूर पता किया होगा, ठीक है। तो सेंट पीटर्सबर्ग में आपने पैवलोव देखा होगा, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी देखी होगी, ठीक है, और मॉस्को में आपने काफी लोमोनसोव देखा होगा, आपने फर्स्ट मॉस्को स्टेट देखा होगा, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है, 50 to 60 lakhs के बजट में आते हैं। बट ये जो यूनिवर्सिटी है नेशनल रिसर्च न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी, इन शॉर्ट मैफी, ये आपका 25 lakhs रूबल के बजट में मिल जा रहा है आपको फॉर 6 years, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड ट्यूशन फीस और यूनिवर्सिटी फीस। तो इतने कम बजट में एक मॉस्को में यूनिवर्सिटी मिलना, और भी इंडिया से 6-7 hours के डिस्टेंस में, विच इज वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। आप इस यूनिवर्सिटी को अपने लिस्ट में जरूर रखिए, अपने प्रायोरिटी लिस्ट में जरूर रखिएगा इस यूनिवर्सिटी को, जस्ट बिकॉज इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। और इसकी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग बहुत अच्छी है। और भी बहुत सारे पॉइंट मैं आगे कवर कर रहा हूं, बट स्टिल वीडियो में बने रहिए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये 2020 में ही इंडियन स्टूडेंट को एडमिशन देना शुरू किया है। तो अगर आप पूछेंगे कि इसका एफएमजी रेशियो क्या है, इसका एफएमजी पासिंग रेशियो क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इसका कोई एफएमजी पासिंग रेशियो अभी तक आया नहीं है, जस्ट बिकॉज 2020 में ही यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट जाना शुरू किए हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, यहाँ पे काफी सारे इंडियंस गए हैं और आपको यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप रशिया और मॉस्को का मैप देखें, ठीक है, तो मॉस्को में काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट आपको मिल जाते हैं, खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली वहाँ पे। हाँ, आपको ये चीज आपको ध्यान रखना है, मॉस्को जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव सिटी है, जस्ट बिकॉज आप कहीं टायर 2 सिटी में जाते हैं तो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। जो मॉस्को है वो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, ठीक है। तो अगर आपका बजट अच्छा खासा है, देन ओनली प्रेफर दिस यूनिवर्सिटी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 5-100 प्रोग्राम का हिस्सा है। मैं आपको पहले भी अपने वीडियोस में, काफी सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि जो 5-100 प्रोग्राम है, इसमें क्या होता है, जो रशियन गवर्नमेंट होती है, वो जो यूनिवर्सिटीज को, जो 100 यूनिवर्सिटीज को है, वो पुश करती है ताकि वो वर्ल्ड के 100 रैंकिंग में आ सके, ठीक है, मतलब 100 के वर्ल्ड रैंकिंग में आ सके। इस प्रोग्राम के तहत आपका फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी भी आ जाता है और ये नेशनल रिसर्च न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी भी आ जाता है, इन शॉर्ट मैफी। तो ये जो यूनिवर्सिटी है
आपका 5-100 प्रोग्राम का हिस्सा है। अगर आपको 5-100 प्रोग्राम के बारे में नहीं पता, आप गूगल कर सकते हैं और इसको इसके बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे कि आपको पता होगा, रशिया में ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंड इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एक काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी होता है। मतलब आप एग्जाम लिखते हैं, आपको पास करा दिया जाता है अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो। मैं आपको बता दूं, हम जो है इस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं, और यू कैन से वी आर द ऑफिशियल रिक्रूटिंग पार्टनर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अगर आप हमारे थ्रू इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, आपका 100% एडमिशन हो जाएगा एंड यू नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इसके रिकग्निशन, जो मैफी है ये आपका ऑलमोस्ट सारे जगह से, सारे कंट्री से रिकग्नाइज है। मतलब अगर आप यहां से पास आउट होने के बाद आप कहीं भी जगह वर्क करना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में जगह वर्क करना चाहते हैं, यू कैन इजीली वर्क। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप यूके में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, ये हर जगह से रिकग्नाइज है और हर कंट्री से रिकग्नाइज है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, यहाँ पे कैडेवर्स एंड डाइसेक्शन करना अलाउड है। आपको फर्स्ट सेकंड ईयर से ही आपको कैडेवर्स एंड डाइसेक्शन करने दिया जाता है। आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे रियल डेड बॉडीज मिलती है। बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी रशिया में ऐसी हैं जहां पे आपको डमी प्रोवाइड कर दी जाती है कैडेवर के नाम पे, बट यहाँ पे रियल डेड बॉडीज प्रोवाइड की जाती है आपको। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, यहाँ पे 2% शेयरिंग रूम मिलता है। मैक्सिमम इंडियंस जो है, उनका सबसे पहला डाउट यही रहता है कि सर हमें कैसा यूनिवर्सिटी मिलने वाला है, और हमको जो है, जो हॉस्टल है, हमको 2-सीटर चाहिए, हमको 4-सीटर में एडजस्ट नहीं करना है, हमको 2-सीटर चाहिए। और आपको पता ही होगा, 2-सीटर जो होता है वो काफी एक्सपेंसिव होता है। आप कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी पकड़िए, उसका 2-सीटर देखिए, आपको 2-सीटर मतलब 2% शेयरिंग अगर आप देखते तो काफी एक्सपेंसिव होता है कोई भी यूनिवर्सिटी में। बट ये जो यूनिवर्सिटी एमएफई, यहाँ पे जो 2-सीटर है वो आपको 7,000 रूबल पर ईयर पड़ने वाला है। 700 रूबल दैट टू पर ईयर आपको 2-सीटर 2% शेयरिंग हॉस्टल मिल रहा है। ये तो आपको इंडिया में भी नहीं मिलता। ठीक है, इंडिया में अगर मैं जिस कॉलेज से पास आउट हूं, उस हॉस्टल की बात करें, तो वहां पे 40-60,000 था 2-सीटर। ठीक है, और यहां पे रशिया में, दैट टू इन मॉस्को, आपको 2% शेयरिंग हॉस्टल आपको 7,000 रूबल्स पर ईयर में मिल रहा है, विच इज अ वेरी गुड ऑप्शन। मॉस्को में इतना सस्ता मिलना नामुमकिन है, बट स्टिल मिल रहा है, आप क्या कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा जब आप कॉलेज का लिस्ट बना रहे हो और प्रायोरिटी लिस्ट सेट कर रहे हो अपना। इस यूनिवर्सिटी में काफी सारे इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं एंड उन सबको ये यूनिवर्सिटी बहुत ही पसंद आ रही है, और ये इंडिया से बहुत ही पास है। तो ये भी काफी एक बड़ा पॉइंट है जिसको इंडियन स्टूडेंट माइंड में रखते हैं जब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट रशिया के कोने कोने में जाते हैं तो काफी टाइम लगता है घर आने के लिए भी, यहाँ घर से वापस आने के लिए भी। बट अगर आप देखें तो दिल्ली से बस 6-7 आवर्स डिस्टेंस में है, जो कि बहुत ही पास है, आपको घर टाइप पे ही फील होगा। मतलब अगर आप इंडिया से जाते भी हैं तो आपको मतलब इतना डिस्टेंस फील नहीं होगा कि आप घर से बहुत दूर आ गए हैं, सात समुंदर पार आ गए हैं, विच इज, ये तो काफी पास में यूनिवर्सिटी मिल गई आपको। तो इस चीज को काफी ध्यान में, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ये एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, आप इसको अपने प्रायोरिटी लिस्ट में जरूर रखिएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो नेशनल रिसर्च न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी है, इसको हम शॉर्ट में मैफी कह रहे हैं, इसके दो कैंपस हैं। एक है आपका मॉस्को में, दूसरा जो है आपका है ओब्निस्क में। तो हम जो यूनिवर्सिटी आपको सजेस्ट कर रहे हैं, ये आपका मॉस्को वाला कैंपस है। ठीक है, ओब्निस्क वाला नहीं बता रहे हैं, आप वहां पे भी एडमिशन ले सकते हैं, वहां पे भी हम करा देंगे, बट हम मोस्टली रिकमेंड कर रहे हैं कि आप यहीं पे जाए, क्योंकि इंडिया से भी पास पड़ने वाला है और फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है सबका। तो गाइस, मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए व्हाई यू शुड चूज नेशनल रिसर्च न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में और अच्छे से और डिटेल में जाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम एक स्टूडेंट की आपसे बात करा देंगे जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, पढ़ रही हो। ठीक है, और आपको डिटेल फीस स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप खुद अपना बजट डिसाइड कर सकें। ठीक है, और गाइस एक चीज ध्यान में रखिएगा, अभी इन्फ्लेशन के कारण थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पैसों का हो सकता है, बट ये जो यूनिवर्सिटी है आपको काफी सस्ते में मिल रही है। ठीक है, और दैट टू इन मॉस्को, और घर के काफी पास है, इंडिया से काफी पास है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा। एंड गाइस, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोस एंड कीप वॉचिंग आवर कॉन्टेंट सो दैट वी कैन मेक मोर यूजफुल कॉन्टेंट फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर कॉन्टेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, थैंक यू।